गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ज्योति आर्या फ्रॉम नव ज्योति ग्लोबल स्कूल पाड़पानी। हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 10th की पोयम हाउ क्रिएचर्स मूव। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो क्रिएचर्स हैं वो कैसे मूव करते हैं। लेट्स मूव इन डिफरेंट वे एंड सी हु हैज़ द मोस्ट फन। ठीक है, सभी लोग जो है अलग अलग तरीके से मूव करते हैं, तो देखते हैं सबसे ज़्यादा फनी कौन मूव करता है। द लायन वॉक ऑन पैडेड पाव। जो लॉयन है वो अपने गद्दीदार पंजों से चलता है। द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब। जो स्क्वायरल है वो एक जगह से दूसरी जगह पर उछलती है। वाइल्ड फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल। जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो दीवार पर क्या करती हैं, क्रॉल करती हैं, रेंगती हैं। एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम। और जो सील होती है, समुद्री मछली, वो स्विम करती है और डाइव करती है। द वॉर्म ही विगल ऑल अराउंड एंड मंकी स्विम बाय इज टेल। ठीक है, और चारों तरफ जो है विगल करती हैं। ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े तैरती हैं। और जो मंकी होते हैं वो अपनी टेल से, अपनी पूंछ से झूला झूलते हैं। एंड बर्ड्स मे हॉप अपॉन द ग्राउंड। और बर्ड्स जो हैं वो उछलती कूदती रहती हैं ग्राउंड में। और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल, और अपने पंखों को फैलाती हैं। ठीक है, और उड़ती हैं। बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। लेकिन जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो सबसे ज़्यादा फन करते हैं। दे लीप एंड डांस। वो कूद सकते हैं, उछल सकते हैं, डांस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, मतलब चल सकते हैं। ठीक है, तो बताइए कैसा लगा आपको। एक बार और हम इसको पढ़ लेते हैं। द लायन वॉक्स ऑन पैडेड पाव। द स्क्वायरल लीप्स फ्रॉम लिम टू लिम। वाइल्ड फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप द वॉल। एंड सील कैन डाइव एंड स्विम। द वॉर्म ही विगल एंड विगल ऑल अराउंड। द मंकी स्विंग बाई हिज टेल। एंड बर्ड्स मे हॉप अपॉन द ग्राउंड और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन। दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन। ठीक है, चलिए हम इसमें न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। पैडेड मीन्स होता है गद्दीदार, लिम्ब मीन्स उछलना, क्रॉल मीन्स होता है रेंगना, और डाइव मीन्स तैरना, विगल मीन्स होता है इधर उधर लहराना। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके। अंडरलाइन ऑल द एक्शन वर्ड इन द पोयम। एक्शन वर्ड मतलब जो भी काम हो रहा होता है। ठीक है, वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड, आपको अंडरलाइन करने हैं पोयम में, तो आप कर सकते हैं। वॉक हो जाएगा, लीप, डांस, ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे, आप इसको अंडरलाइन करिए। वाई डू बॉयज़ एंड गर्ल हैव द मोस्ट फन। बॉयज़ एंड गर्ल्स सबसे ज़्यादा फन क्यों करते हैं? बिकॉज दे डांस, दे वॉक, दे लीप एंड रन, है ना। चलिए देखते हैं। मैच द कॉलम इन ए एंड दोज इन कॉलम बी। लायन का आप कहाँ करेंगे? वॉक में। स्क्वायरल का? लीप में। फ्लाइज का? क्रॉल में। और वॉर्म्स का? विगल में। मंकीज का? स्विंग में। बर्ड का? फ्लाई। ठीक है, फ्लाई दिया हुआ है इसमें, हॉप दिया हुआ है, तो आप हॉप में करेंगे। ठीक है, नाउ मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द मैचिंग वर्ड। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अरेंज दिस मूवमेंट वर्ड फ्रॉम स्लो टू फास्ट। सबसे पहले होता है क्रॉल, फिर हॉप, सॉरी क्रॉल, रन, वॉक एंड हॉप। अंडरलाइन द लेटर विच आर साइलेंट इन द फॉलोइंग वर्ड। साइलेंट वर्ड को आपने अंडरलाइन करना है, जैसे डब्ल्यू एल के, वॉक, वॉक में हम एल साइलेंट कर देंगे, एल का साउंड नहीं आता है। एस टी आर ए आई जी एच टी, स्ट्रेट, कौन सा साउंड नहीं आ रहा है? जी का। एम ओ आर ई, मोर, ई का साउंड नहीं आ रहा है। सी ए यू जी एच टी, कैच, जी का साउंड नहीं आ रहा है। सी एल एम, काम बोलते हैं इसको, एल का साउंड नहीं आ रहा है। टी एल के, टॉक बोलते हैं ना, तो एल का साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, वट डू यू डू वेन यू आर बोर्ड। आप जब बोर होते हैं तो आप क्या करते हैं? लक्ष्मण सिंह अ सॉन्ग वेन शी इज़ बोर्ड। लक्ष्मण जो है जब बोर हो जाता है तो वो गाना गाता है। रत्नाकर रीड अ बुक, रत्नाकर बुक पढ़ता है। गोपाल टॉक टू हिज फ्रेंड, गोपाल अपने दोस्तों से बातें करता है। अंजन राइट अ स्टोरी, वो अंजन जो है वो स्टोरी लिखता है। लीलामन गोज़ फॉर अ वॉक, लीलामन गोज वॉक के लिए चला जाता है। और प्रभाकर गोज टू स्लीप, और प्रभाकर सोने के लिए चला जाता है। वट डू यू डू वेन यू आर बोर, आप क्या करते हैं जब आप बोर होते हैं, तो आपको बताना है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।